भाई कैसे हो आप? फर्स्ट ऑफ ऑल आप कैसे हो? एकदम बढ़िया। काफी टाइम बाद मिले। काफी टाइम बाद आपने तो गाड़ी का पूरा कलर ही पूरा चेंज कर दिया। ये गाड़ी वही हमने फिर आपका कर्नाटक का नंबर पहचान लिया, तो हमारे आजी भाई राकेश जी को सरप्राइज राकेश जी आज बिग बॉस का फिनाले मराठी का भाई, उसके बारे में कुछ बता दीजिए। तो राकेश जी अंदर गेम बेस्ट ऑफ लग राकेश के लिए, राकेश जीतेगी, राकेश को लेने आए हैं। उम्मीद करते हैं राखी 100% जीतेगी और देश की जनता उसे बहुत सारा सपोर्ट करेगी। सपोर्ट किया है बहुत बहुत सारा, बट मैं चाहता हूँ कि वो जीते। फिंगर क्रॉस छक्के बार करें। मैं हमारी टीम सब लोग हम आए हैं वो मूवमेंट। एक महीने से ज़्यादा का सफर था अंदर राखी जी का। आपने राखी जी को कितना मिस किया ये 30 दिनों में? मिस तो ऑफकोर्स किया, पूरा सन्नाटा कम हो गया था मेरी ज़िंदगी में। जब सवेरे उठते हैं बात करते हैं, मिस तो बहुत किया राखी को, बट आज वो आखिरी घड़ी और उनके साथ अगर आपका अगर राखी की बात होती तो आपके साथ उनका फर्स्ट बर्थडे होगा जो उन्होंने बिग बॉस के हाउस में बनाया। उनके बारे में तो फर्स्ट कोई नहीं, लाइफ का सिचुएशन अभी आएगी तो अभी बना लेंगे बर्थडे तो कभी भी बन सकता है, बट शो बहुत इंपॉर्टेंट था राखी पर। राखी को मैं यही बात बोला जब राखी ने मुझे कॉल किया था बिग बॉस में, बोला आई एम रियली सॉरी मैं नहीं आ पाई, तो मैंने बोला कि कोई नहीं आप शो पे कॉन्सेंट्रेट करो, जैसे ही आप पाओगे हम बर्थडे बनाएंगे। तो भाई अभी सुनने में आया था कि राखी जी ने कुछ उन्होंने डांस परफॉर्मेंस भी आज कुछ था। अच्छा बहुत हार्डू परफॉर्मेंस था, नंबर वन परफॉर्मेंस था। परफॉर्मेंस जो भी ये हद का था, इतना अच्छा था परफॉर्मेंस कि सारे लोग हर लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं परफॉर्मेंस में। आपको कैसा लगा परफॉर्मेंस? हमको तो एकदम अच्छा लगा। राखी जी जो भी करें अच्छा ही करती है। अभी आपने और राखी जी ने बीच में म्यूजिक एल्बम किया, तो हम क्या फ्यूचर में आपको राखी जी को किसी मूवी में देख सकते हैं? देखेंगे बहुत जल्द, ऑलरेडी हमारी शूटिंग तो चालू है, बहुत जल्द देखेंगे। और अभी आपने हाल ही में अपनी एकेडमी भी स्टार्ट की है बॉम्बे में और दुबई में, उनके बारे में कुछ बता दीजिए। एकेडमी तो चालू है हमारी, 15 तारीख से ओपनिंग है हमारे एकेडमी की। आप सबको हम इन्वाइट करेंगे, डेफिनेटली आप लोग हमारे जीवन का एक बहुत अनमोल हिस्सा हो, तो डेफिनेटली आप सब आपको इन्वाइट किया जाइए और हमारे प्यार और आशीर्वाद। और सर अभी साल चालू होते होते अभी बीच में एक टीवी एक्ट्रेस सुन गई थी सेट, उनके बारे में बता दीजिए अगर आपको कुछ पता है। इट इज़ वेरी सैड ब्रदर, मैंने देखा था शायद उनकी उम्र भी 20 साल थी। वो बहुत, देखो मैं क्या बोलता हूँ, प्यार वायर इस चीज़ों में ना बहुत सिस्टमेटिकली पढ़ो, ऐसा नहीं कि प्यार सब कुछ होता है कि आप ये करो। उनका कितना अच्छा करियर था, उनको जो करना था वो नहीं करना था, मेरा यही मानना है। देखो जो भी करता है एक आर्टिस्ट, बस वो कर लेता है उसको 5-10 मिनट फील होता है। उनके पेरेंट्स का बताओ, उनके पेरेंट्स, उनके माँ बाप, जो भी उनके सपोर्ट जो भी उनके होंगे ना, उनको कितनी तकलीफ हुई होगी। तो देट इज़ नॉट एन ऑप्शन। एक यूथ के लिए कुछ मैसेज? डेफिनेटली मैं ये बोलना चाहूँगा, कभी भी कुछ भी करो आपके माँ बाप के बारे में भी सोचो, आपकी एक फैमिली होगी, फैमिली के बारे में सोचो, मैं क्या करना करो, किसी का भाई खास कर सोच मत करो, और जो चीज़ आपको हर्ट करे उससे आप बहुत ज़्यादा दूर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड भाई आपके सामने एक पूछ लेता हूँ। भाई आप एक छोटी सी